बिहार में टीम इंडिया में फंस गया बड़ा पेच। सीट बंटवारे पर आपस में जारी घमासान। चिराग अड़ गए, सीट शेयरिंग अटक गई। हाजीपुर सीट पर चाचा भतीजे में आर पार। नीतीश लौट आए लेकिन जंग है जारी। नीतीश कुमार विदेश से लौट आए। दिल्ली में बिहार बीजेपी की तरफ से 17 लोकसभा सीटों का प्रेजेंटेशन तक हो गया, लेकिन कई दिनों के मंथन और चिंतन के बाद भी सीट शेयरिंग की फाइल अटकी और लटकी है। अभी तक चिराग पासवान के नाराज होने की अटकलें थी, लेकिन अब अपने ही भतीजे के खिलाफ चाचा पशुपति पारस ने मोर्चा खोल दिया है। सूत्रों के मुताबिक बीते दिन पशुपति नाथ पारस ने बिहार बीजेपी के प्रभारी विनोद तावड़े से सीट शेयरिंग को लेकर मीटिंग की। मीटिंग के दौरान पशुपति पारस ने साफ कर दिया कि हाजीपुर सीट से वो सांसद हैं और किसी कीमत पर हाजीपुर सीट को नहीं छोड़ेंगे। बीजेपी की तरफ से पशुपति पारस के सामने प्रस्ताव रखा गया कि चिराग पासवान और उनकी पार्टी एक बार फिर एक साथ हो जाएं। हालांकि भतीजे चिराग पासवान के साथ वापसी की हर संभावना से पशुपति पारस ने इनकार किया। पशुपति पारस का कहना है कि चिराग एनडीए में है, इस पर उनका विरोध नहीं है, लेकिन उनके साथ दल, दिल और परिवार कभी भी नहीं मिल सकता। बड़ी बात यह है कि चिराग पासवान ने भी हाजीपुर सीट को नाक का सवाल बना रखा है। चिराग पासवान किसी से डरता नहीं है। चिराग पासवान को झुकाने के लिए लाख प्रयास किए गए, लाख तरीके के षड्यंत्र रचे गए। कहीं घर तोड़ा गया, कहीं परिवार तोड़ा गया, कहीं पार्टी तोड़ी गई, ये सोचकर कि चिराग पासवान टूट जाएगा। पर जो लोग ये सोचते हैं कि इन बातों से चिराग पासवान टूट जाएगा, वो लोग भूल जाते हैं कि चिराग पासवान शेर का बेटा है या चिराग पासवान का बेटा है। बीजेपी के सामने सबसे बड़ी चुनौती अब चाचा भतीजे की लड़ाई का समाधान निकालना है। अगर बात नहीं बनी तो चाचा भतीजे की लड़ाई ही एनडीए में फूट की वजह बन सकती है। हालांकि बीजेपी की तरफ से यही दावा किया जा रहा है कि सब कुछ ठीक है। हो जाएगा, अभी तो चुनाव की घोषणा नहीं हुई है, घोषणा होने के पहले। सभी लोग आएंगे। तो क्या बिहार में असली खेला बाकी है? चिराग ने इशारे इशारे में बिहार में एनडीए सरकार पर बड़ा और कड़ा हमला कर दिया। क्या ये हमला चिराग का पाला बदलने का इशारा है? क्या चिराग पासवान एनडीए से दूर हो जाएंगे? कई सरकारें आई, कई सरकारें गई, कई गठबंधन हुए, कई गठबंधन टूटे, पर आज भी हमारे प्रदेश की समस्याएं वही की वही मौजूद है। आज यही आग्रह करने आप लोगों से आया हूं। हमारे प्रदेश को बार बार कई सरकारों ने लूटा, कई राजनीतिक दल आए, कई राजनीतिक नेता आए, बड़े बड़े वादे हम लोगों से किए गए, बड़ी बड़ी बातें हम लोगों से कही गई, पर हकीकत है कि आज भी बिहार वही का वही खड़ा, बल्कि हर बीते साल के साथ बिहार बर्बादी की ओर अग्रसर हुआ। चिराग पासवान की सियासी लाइन लेंथ अपने ही गठबंधन के लिए बिगड़ी हुई है। वहीं बीते एक हफ्ते में तेजस्वी यादव चिराग को लेकर दो बड़े बयान दे चुके हैं। तेजस्वी का यही कहना है कि चिराग के लिए दरवाजे खुले हुए हैं। इसमें हमको क्या कहना है? हमको तो कहीं जाना है नहीं, हम तो जहां हैं वहीं हैं। जिनको आना होगा वो ना बताएंगे। देखिए अब इस पे हमको अभी कोई बात नहीं करनी है, लेकिन आना चाहे तो स्वागत करेंगे, आना चाहे तो समय बताएगा ना। तेजस्वी यादव का कहना है कि चिराग के लिए दरवाजा खुला है। यहाँ तक कि आरजेडी की तरफ से चिराग के सामने एक बड़ा ऑफर भी रखा गया है। अगर चिराग पासवान एनडीए छोड़कर महागठबंधन में आते हैं तो उनकी पार्टी को
बिहार में 8 सीटें जबकि यूपी में 2 सीटें मिलेंगी, यानी कुल 10 सीटों का ऑफर चिराग को दिया गया। चिराग जी युवा हैं और हम तो आग्रह करेंगे कि जिस तरीके से बिहार के विकास के लिए, बिहार के भविष्य आदरणीय तेजस्वी यादव जी लगातार प्रयास कर रहे हैं कि युवाओं को नौकरी मिले, युवाओं को रोजगार मिले, बिहार की तरक्की हो, बिहार का विकास हो, उसमें तेजस्वी जी के साथ जो है चिराग जी को भी सहयोग करना चाहिए। और दोनों लोग युवा हैं, अगर साथ आते हैं तो हमको नहीं लगता है कि बिहार में दूसरा कोई भी पार्टी या दूसरा कोई भी गठबंधन कामयाब होगा। आरजेडी की तरफ से चिराग को अपने साथ आने का न्योता दिया जा रहा है, चिराग से अपील की जा रही है। वहीं दूसरी तरफ चिराग ने रैली के दौरान नीतीश कुमार पर खुल्लम खुल्ला निशाना साधा, तो क्या चिराग के दिमाग में कुछ बड़ा चल रहा है? हालांकि मीडिया ने जब सीट शेयरिंग को लेकर सवाल पूछा तो उनका जवाब सुनिए। भाई ये सारी बातें आप सब के माध्यम से मैं भी सुनता रहता हूँ कि मैं किस दिन नाराज हूँ, मैं किस दिन खुश हूँ। मेरी चिंताएं और बहुत बड़ी हैं, मेरी चिंताएं बिहार को लेकर है, बिहारियों को लेकर है। जहाँ तक रही बात गठबंधन की, मुझे लगता है इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ टाइम, बहुत जल्द मुझे लगता है गठबंधन को लेकर, सीट शेयरिंग को लेकर, सीटों की संख्या को लेकर, ये तमाम बातें बहुत जल्द साझा, और मैं साझा बोल रहा हूँ क्योंकि हम लोग की बातचीत मोर और लेस हो चुकी है, मुझे लगता है बहुत जल्द हम लोग साझा भी कर। मतलब यही है कि चिराग पासवान अभी दो नाव की सवारी एक साथ करते हुए नजर आ रही है, क्योंकि एक तरफ एनडीए को लेकर बयान दिया तो दूसरी तरफ नीतीश कुमार पर जमकर बरस रहे हैं। बिहार में चिराग पासवान क्या करेंगे अभी तय नहीं, लेकिन सवाल जीतन राम मांझी और उपेंद्र कुशवाहा का भी है, यानी अब मांझी और उपेंद्र कुशवाहा का क्या होगा, क्योंकि बीजेपी 17 सीटों पर लड़ने की बात कह रही है, जेडीयू भी 17 सीटों से पीछे हटने को तैयार है। अगर 5 सीटों पर चिराग की पार्टी चुनाव लड़ेगी तो पशुपतिनाथ पारस का क्या होगा? एनडीए के साथ ही जीतन राम मांझी की माने तो सभी की अपनी अपनी मांग है, लेकिन जब एनडीए की बैठक होगी तब किसके खाते में कितनी सीट आएगी एकदम साफ हो जाएगा। अभी अधिसूचना जारी नहीं हुई है, अधिसूचना जारी होगी वो करीब 13 के बाद 14 को, तो 14 के पहले सारा काम हो जाएगा। इसमें इतना जल्दीबाजी की कौन बात है, अगर कोई है तो उसको सभी सीट पर लड़ना नहीं है, ये भाजपा एनडीए को है कि सभी सीट पर लड़ना है, और लड़ना है तो जीतने वाला कैंडिडेट का टोह किया जा रहा है कि हम ऐसा सीट जीतें कि 400 सीट कम से कम भारत में लावें और बिहार में 400 सीट लावें, तो वैसी परिस्थिति में सोच समझ के किया जा रहा है। नीतीश कुमार की एनडीए में वापसी हो गई, बीजेपी के साथ सरकार बन गई, लेकिन टीम एनडीए में सब कुछ ठीक नहीं, क्योंकि मंत्रिमंडल विस्तार की फाइल लटकी हुई है, तो वहीं एनडीए में सीट शेयरिंग की फाइल अटकी हुई है। आज तक ब्यूरो।